A warm welcome everyone, how are you all? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एग्जैक्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट. मैंने आपको सिखाया था कि वो सेट ऑफ बिहेवियर है, एक्शंस है, थॉट्स है जो आपको अलग बनाएगा दूसरों से. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी को ग्रूम करना. जानते हैं क्यों? क्योंकि तभी आप एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे विद ऑल कॉन्फिडेंस एंड ऑल पॉजिटिविटी. तो चलिए डिस्कस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को रियलिटी के बेसिस पर. मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगी और आपको खुद ही महसूस होगा कि वो इंसान जो कुछ नहीं था वो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का शहंशाह बन चुका है. Yes, I'm talking about Amitabh Bachchan. What was he? He was rejected various times क्योंकि वो बहुत ही पतला और एक लंबा इंसान था और उनको बॉलीवुड मूवीज में बार बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनकी हाइट 6 feet 3 inches थी और एक बहुत ही दुबला पतला इंसान था. सोचा था कि ये कैसे अपने आप को इंडस्ट्री में शो करेगा. आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो में भी उनकी आवाज के बेसिस पे उनको रिजेक्ट किया गया. लेकिन आज देखिए, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है और आज की तारीख में ही इज रैंक्ड नंबर 1 हीरो इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, द शहंशाह ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर अमिताभ बच्चन. उन्होंने कहा था, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ बट चैलेंज शुड बी द एम ऑफ लाइफ. और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपनी पर्सनालिटी को डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ चेंज किया और आज बन गए द मोस्ट सक्सेसफुल हीरो. अच्छा, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही क्यों, शाहरुख खान भी ले लीजिए, द बादशाह. ही वॉज बहुत बहुत उनको नेग्लेक्ट किया गया था, उनको हटाया गया था बिकॉज ऑफ द स्टैमरिंग पार्ट. लेकिन आज ही इज द किंग खान. तो ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ रॉ एग्जांपल्स जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं. तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बाहर की दिखावटी चीज नहीं है. इट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. अगर आपकी बॉडी इंटरनली, अगर आपकी हेल्थ इंटरनली, अगर आपका माइंड इंटरनली शेप में हुआ, फिट हुआ, हेल्दी हुआ, हैप्पी हुआ, तो नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड अकॉर्डिंगली आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके फेवर में होगा. तो हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को 3 aspects पर. फर्स्ट, इन योर थॉट लेवल, मेंटल लेवल. सेकेंड, ऑन योर फिजिक लेवल, फिजिकल लेवल. एंड थर्ड, ऑन योर सोशल लेवल, कि आप बाहर की दुनिया में अपने आप को कैसे पेश करते हैं. एंड आपको पता है ये 3 factors डिसाइड करेंगे कि आप किस लेवल के इंसान हैं. यू आर अ नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान और यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुली ग्रूम्ड पर्सन इन योर लाइफ. So it depends upon your personality how happy, happening, fit and successful you are. इन तीनों aspects के बारे में मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाली हूँ, लेकिन हमारे अगले लेक्चर में. प्लीज अच्छे से देखिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है खुद को ग्रूम करना, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, ताकि आप एक सक्सेसफुल entrepreneur बन सके और एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेट हासिल कर सके. थैंक यू.